बिहार में मैट्रिक की परीक्षा का आज अंतिम दिन है। वहीं मैट्रिक की मुख्य परीक्षा बुधवार को ही समाप्त हो गई। आज पहली पाली में और दूसरी पाली में ऐच्छिक विषयों की परीक्षा होगी। गौरतलब है कि ऐच्छिक विषयों के प्राप्त अंक को कुल प्राप्त अंक में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन सभी परीक्षार्थियों को यह विषय लेना अनिवार्य नहीं है। पहली पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू होगी। पांचवें दिन प्रदेश में कुल 20 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। ऐच्छिक विषयों में प्रदेश के 16,179 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में करीब 16.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हैं। इन स्टूडेंट्स में परीक्षा देने वाली छात्राओं की तादाद करीब 8,06,000 है। परीक्षा के लिए पूरे सूबे में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सहयोगी अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज अंतिम दिन की परीक्षा ऐच्छिक विषय की हालांकि परीक्षा है, यह किस तरीके से आज की तैयारी है और कितने स्टूडेंट्स ये परीक्षा देने जा रहे हैं? देखिए राहुल, ये ऐच्छिक विषय है और ऐच्छिक विषय में हर एक छात्रों को शामिल होना जरूरी नहीं होता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो एक आंकड़ा है, करीब 17,000 स्टूडेंट्स रहे जिन परीक्षार्थी हैं जिन्होंने ऐच्छिक विषय के रूप में कई, चूंकि ऐच्छिक विषय के रूप में कई अलग अलग विषय निर्धारित हैं जिनमें से एक विषय कोई परीक्षार्थी ले सकता है। करीब 17,000 परीक्षार्थी हैं पूरे राज्य भर में जिन्होंने किसी न किसी विषय को ऐच्छिक रूप में चुना है और आज ये परीक्षा दो पाली में, जो परीक्षा ये मैट्रिक की हो रही है दो पाली में जिस तरह से हो रही है, आज भी दो पाली में होगी और ये परीक्षार्थी शामिल होंगे। जो मुख्य परीक्षाएं हैं जो अनिवार्य थी इसमें शामिल होना हर एक परीक्षार्थी को, ये परीक्षा कल ही संपन्न हो गई है और आज एक परीक्षा हो रही है और आज के बाद जो है ये परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। बताते चले कि इस परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए बोर्ड ने कई तरह के इंतजाम किए थे। यही वजह है कि सैकड़ों छात्र को एक्सपेल्ड किया गया कदाचार के आरोप में और ऐसे छात्र को का जो है एक साल, वो अब अगले साल ही फिर से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी उनका एक साल का कैरियर जो है वो एक तरह से बर्बाद हो गया। तो कदाचार को लेके कई तरह के कदम उठाए थे बोर्ड ने और परीक्षार्थियों ने, अधिकांश परीक्षार्थियों से हम लोग की बात हुई है तो उनकी परीक्षा अच्छी गई है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें बेहतर परीक्षा परिणाम मिलेंगे जिससे उनका जो कैरियर है, जो आगे उनकी पढ़ाई है, वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे, अच्छे शिक्षण संस्थानों में नामांकन ले सकेंगे। चलिए शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई पहुंचे, जहां श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में जमुई लगीसराय मुंगेर शेखपुरा जिले के जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया। कार्यक्रम में कई मंत्रियों ने भी संबोधित किया और समाज सुधार अभियान की तारीफ की। तो वहीं मुख्यमंत्री का संबोधन शराबबंदी के इर्द गिर्द ही था। अपने संबोधन में उन्होंने इसका विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया। सीएम ने कहा कि इस फैसले के